देंगे यहाँ पे सॉस के ऊपर डाल देना है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शायब अल्ताफ। आज हम बनाएंगे चिकन शवारमा। एक कमर्शियल रेसिपी है, ये ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको घर में भी इजीली बना सकते हैं। पूरा मुकम्मल आपको गाइड करूंगा, चलिए देखिए किस तरीके से बनाते हैं। पहला स्टेप हमारा है बोनलेस का। बोनलेस हमने काटनी है और कटिंग का सबसे ज़्यादा कुकिंग में अहम रोल होता है। तो कटिंग चेस्ट को दो बीच में से कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको जूनियन काटेंगे ये ऐसे। हमारे एक बर्तन में हम डाल देंगे यहाँ पे बोनलेस, और ये था हमारे पास एक ब्रेस्ट चिकन का, दो जवे लहसुन के। चिकन हमारा कम है तो मसाले पे बहुत एहतियात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जाएगा सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब या टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें विनीगर, नमक जस्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा जाएगा कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मैरिनेशन करके हम तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से चढ़ जाए। 1 घंटे के बाद एक फ्राई पैन गरम करें, उसमें डालें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, फिर हम उसमें शामिल करेंगे हमारी चिकन जैसे हमने जूनियन काटी हुई है, और ऐसे ही आपने लंबी डंबी डाल देनी है। ये एक साथ भी डाल के पका सकते हैं, लेकिन लंबी डालेंगे तो और अच्छी बनेगी। तो इसको ऐसे ही हम पकाएंगे। चिकन हमारी माशाल्लाह अच्छे से रेडी हो चुकी है, ये देख ऐसे। इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में, यही बर्तन दोबारा फिर इसी में, इसी चिकन वाले फ्राई पैन में हम यहाँ पे गरम करेंगे शवारमे की ब्रेड। ये मार्केट में बासानी मिल जाती है, अगर आपको ना मिले मार्केट से तो मुझे बता दें, मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। तो इसको दोनों तरफ से हम सेक लेंगे, तो फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। नीचे वाली साइड का भी ऐसे हल्का हल्का कलर देना है आपने, ये देखें ऐसे ही गरम करेंगे। एक खीरा और एक टमाटर चाहिए हमें, पहले कटिंग करेंगे हम टमाटर की, बीच में से बीज निकालना है ऐसे कटिंग करके आपने ये, उसके बाद फिर इसकी कटिंग करनी है आपने ऐसे जूनियन टाइप की जैसे हमने चिकन काटा हुआ है ये डन। उसके बाद 1/2 खीरा, उसको भी सिंपल आपने ये साइड काटने के बाद सेंटर काटना है, सेंटर काटने के बाद थोड़ा सा यहाँ से बीज काट देना है, बीज काटने के बाद स्लाइस काटने हैं ये, जैसे हमने जूनियन काटा है टमाटर वैसे ही खीरा, ये डन। तो अब बनाने का प्रोसीजर है, यहाँ पे हमारी ब्रेड 3 शवारमे हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे सॉस, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी, नहीं बनाई, आपके पास नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इसमें मायनीज लेके उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर वाइट पेपर नमक ऐड करके सिंपली वो ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। चिकन की रिफिलिंग करेंगे सेंटर में, चिकन भर के डालना है ताकि शवारमा खाने में मज़ा भी आए। उसके बाद टमाटर के स्लाइस रख दें जूनियन कटे हुए जो हमारे हैं, उसके बाद खीरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे सॉस के ऊपर डाल देना है ऐसे। थोड़ा सा हम यूनिक इस्तेमाल करेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस,
वो भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी डाल देंगे ताकि हमारा जो टेस्ट है और ज़बरदस्त हो जाए। ज़बरदस्त। इसको अब जो है रोल करना है सिंपल सा, ऐसे ये साइड और ये साइड ऐसे रोल करने के बाद ऐसे बटर पेपर में रख लपेट देना है इसको बस। तो माशाल्लाह हमारे कितने यूनिक और ज़बरदस्त चिकन शॉर्मे आज के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।